गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए इससे पहले हमने इसके पिछली वीडियो में हमने आयोपिसना पढ़े थे। अगला आयोपिसना देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील क्या होता है? सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच होता है। अब इसके अनुलग्न की बात करें, अनुलग्न तो उसका अनुलग्न क्या होता है? ओएक एसिड होता है, ओएक एसिड होता है। अब देखिए हम नाम की बात करते हैं, जैसे सी एस थ्री और सी डबल ओ एच है, इसका नाम क्या होगा? इसमें देखिए दो कार्बन है, दो कार्बन लिए क्या आता है? एथेन आता है। एथेन से ई हटा देंगे और उसमें क्या लगा देंगे? ओ एक एसिड जोड़ देंगे तो उसका नाम हो जाएगा एथेनोएक एसिड हो जाएगा। अगर हम एक कार्बन की बात करें तो एस डबल ओ एच हो जाएगा। इसमें एक कार्बन क्या आता है? मीथेन आता है। मीथेन से हम ई हटा के और उसमें ओ एक एसिड जोड़ देंगे तो उसका नाम हो जाएगा मीथेनोएक एसिड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम तीन कार्बन की बात करें तो सी एस थ्री और सी एस टू और सी डबल ओ एच है। तीन कार्बन क्या आता है? प्रोपेन आता है। प्रोपेन से हम ई हटा देंगे और उसमें ओएक एसिड जोड़ देंगे तो उसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनोएक एसिड हो गया। अगर हम चार कार्बन की बात करें, जैसे सी एस थ्री और सी एस टू और सी एस टू और क्या हो जाएगा? सी डबल ओ एच। चार कार्बन क्या आता है? ब्यूटेन आता है। तो हम ब्यूटेन से क्या करेंगे? ई हटा देंगे और उसमें ओएक एसिड क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो उसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेनोएक एसिड हो गया। अगर हम पांच कार्बन की बात करते हैं, सी एस थ्री और सी एस टू, सी एस टू और क्या होगा? सी एस टू और सी डबल ओ एच हो जाएगा। इसमें कितने कार्बन है? पांच कार्बन है तो उसका नाम हो जाएगा पेंटेन से क्या करेंगे? हम ई हटा देंगे और उसमें ओएक एसिड क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो नाम क्या हो जाएगा इसका? पेंटेनोएक एसिड। अब देखिए अगला समूह है, इसमें अगले क्रियासमूह की बात करें, कीटोन की बात करते हैं। कीटोन होता है, कीटोन इसका क्रियासमूह क्या होता है? सी ओ होता है। क्या होता है? सी ओ। अब इसका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न क्या लगाते हैं? अनुलग्न के रूप में इसमें लगाते हैं ओन लगाते हैं। अनुलग्न क्या लगाते हैं? ओन जोड़ देते हैं। अब देखिए कम से कम तीन कार्बन का क्रियासमूह होता है, सी एस थ्री और सी ओ और क्या हो जाएगा? सी एस थ्री हो जाएगा। अब देखिए बच्चों कम से कम तीन कार्बन का क्या होता है? कीटोन होता है। इसमें कितने कार्बन है? तीन कार्बन है तो तीन कार्बन क्या आएगा? प्रोपेन हो गया। प्रोपेन से ई हटा देंगे। अब बताओ नंबरिंग कर सकते हैं इसका? तो देखिए यहाँ से करेंगे तो वन और टू और थ्री, तो वन और टू और कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। तो दूसरे कार्बन पे कीटोन से लगा हुआ है तो उसका नाम हो जाएगा टू और फोर हो जाएगा। या इसका नाम लिख सकते हैं टू प्रोपेनोन, प्रोपेनोन हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेनोन। अगर मान लीजिए अगर इधर हम सी एस टी लगाते हैं, इधर हम सी एस टू लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सी ओ और यहाँ हो जाएगा सी एस टी। अब देखिए इसमें इसका नामकरण कैसे करेंगे? इसमें चार कार्बन है तो जिधर से क्रियाशील क्या होगा? पास से पड़े, इधर से पास से पड़ रहा है वन टू और थ्री और फोर, इधर से पड़ रहा है तीसरे पे, इधर से पड़ रहा है दूसरे पे। अब इसमें कार्बन देखेंगे, कार्बन कितने हैं? इसमें चार कार्बन है तो इसमें ब्यूटेन हो जाएगा। उसके बाद में नंबरिंग यहाँ से करिए अपने, तो टू कार्बन पे ओन लगा हुआ है उसका नाम हो जाएगा टू और ओन। इंग्लिश में से बन पढ़ते हैं ओ एन ई को और केमिस्ट्री में से ओन पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा, इसका नाम ये भी हो सकता है ब्यूटेनोन और टू या टू ब्यूटेनोन। इसी प्रकार से अगर हम और कार्बन की बात करें, इधर भी हम सी एस थ्री और सी एस टू, यहाँ पर हमने लगा दिया सी ओ, इधर भी कर दिया आपने सी एस टू और सी एस थ्री, इसका नाम कितने कार्बन होगा? इसमें पांच कार्बन। नंबर इधर कैंसिल कर सकते हैं, देखिए वन टू थ्री, इधर थ्री पड़ रहा है, कितने पड़ रहा है, इधर से भी तीसरे पड़ रहा है, इसमें कितने कार्बन हो गए? पांच कार्बन हो गए तो इसमें पेंटेन हो जाएगा, इसका ई हटा देंगे। अब बताओ ओन कौन से कार्बन लगा हुआ है? वन टू थ्री, तो क्या आ जाएगा इसमें? थ्री ओन आ जाएगा, या इसका नाम हो सकता है थ्री पेंटेनोन या पेंटेनोन थ्री हो सकता है। ठीक है, तो ये नामकरण थे, बाकी नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे।